म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने मंगलवार को रोहिंग्या मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भारत का समर्थन किया और कहा कि रोहिंग्या आतंकी घटनाओं में शामिल हैं और इन्होंने म्यांमार में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। सू की ने कहा कि रोहिंग्या आतंकी हमलों में शामिल हैं। रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार में संरक्षण मिला लेकिन इन्होंने म्यांमार में ही आतंकी हमले करवा दिए। उन्होंने आगे कहा, हम आलोचनाओं से डरने वाले नहीं हैं। जो लोग म्यांमार वापस आना चाहते हैं, हम उनके लिए रिफ्यूजी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गरमाए इस मामले पर सू की ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के एक वर्ग पर पुलिस कार्रवाई और देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करते हैं। सू की ने आगे कहा कि कई महीनों की शांति के बाद 25 अगस्त को सुरक्षा बलों पर हथियारबंद गुट ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले की जांच में रोहिंग्या और उनके समर्थकों के शामिल होने का पता चला। सू की ने कहा कि म्यांमार के राखिनी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते, वहां बौद्धों पर हमले कराए गए। हमारे सुरक्षा बल हर हालात और आतंकी खतरे से निपटने में सक्षम हैं। सू की ने कहा कि हमने राखिनी में शांति स्थापित करने के लिए सेंट्रल कमेटी बनाई है। हम इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए काम करते रहेंगे। टीम इंडिलिंक्स।